भाई कह रहेगा मंदिर चला ले भाई क्या कर रहा है यार। हां जी नमस्कार दोस्तों, पहल न्यूट्रिशन यूट्यूब में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज इतनी खुशी हो रही है मुझे, मोहन से भी मैं पूछूंगा कितनी खुशी हो रही है। फाइनली जो हमने सोचा था कि भाई अपना काम करेंगे, अच्छा काम होने के बाद हम फाइनली गाड़ी लेके आएंगे और गाड़ी में हमें सबसे जरूरी क्या फ्यूचर चाहिए वो मैं जानूंगा। आप सुन रहे हो कितनी अच्छी हमारी गाड़ी चल रही है, तो मैं आज मोहन के पास लेके जाता हूँ कैमरा। हाँ जी भाई, कैसा लगे आपको गाड़ी लेके आके? गाड़ी लेने के बाद मैं बहुत अच्छी फील आ रही है, जो गाड़ी चलाने में मतलब जो मजा है ना वो पूरा मजा है इसमें। आपने सोचा था कभी कि भाई आप गाड़ी अपनी कमाई से लेके आओगे और इतनी अच्छी, मतलब कोई ये सोच भी नहीं सकता कि इतनी अच्छी हम गाड़ी लेके आएंगे? देखो मैंने सोचा तो था कि हम गाड़ी लेके अपनी कमाई से, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी अच्छी ले लेंगे। तो ये एक आपके लिए कैसे लकी है गाड़ी की वीक में आप इसको दो बार चलाते हो? वैसे इसको मैं वीक में दो बार चलाता हूँ और इसमें सभी फ्यूचर है। एक तो म्यूजिक बहुत अच्छा है इसमें, देखा है एसी इतना तेज है कि सोड़ उड़ सके हैं। कहाँ है गाइस, ये नहीं पता कि बंद कहाँ से होता है ये, पर सोड़ उड़ लेंगे इतना तेज एसी है। और जो इसकी स्पीड है ना, बस थोड़ा रखो पैर, देखो बोलना कैसे, अब देखियो अब चल देखे, ये देखो ये 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 मजा और किसी गाड़ी में आ सकता आपको लगता है? इतनी हाई फाई गाड़ी लेने के बाद भी आपको, या कितनी भी हाई फाई गाड़ी ले लो ये मजा आएगा आपको? फील, इसका जो फील है ना वो अलग फील है, इसकी जो फीलिंग बता रहे हैं मोहन। और इसमें एक बात और मुझे अच्छी लगी मोहन, जो आप वर्कआउट करने जा रहे हो वहां तक पूरे रिलैक्स हो जाते हो आप? हाँ रिलैक्स हो जाते हैं, इसमें जो कमर भरती है ना गाड़ी चलाते चलाते एक जगह रुकी वो नहीं भरेगी, इसमें लग्जरी सिस्टम है और मसाज देती रहती है साथ ही साथ। तो दोस्तों मैं गाड़ी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, मैंने काफी दिनों से सोच रखा था कि एक गाड़ी ऐसी लेके आनी है कि अपने घर से लेके जाएंगे, लोग देखे भी गए हमारी तरफ की ऐसी भी गाड़ी लेके आ सकते हैं पहल वाले। तो इसमें मैं मोहन आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो आपको सबसे जरूरी क्या लगे आपको, ये जो रिलैक्सिंग वाला है ये कैसा लगता है? ये भाई एक नंबर का अलग है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी ना जो अलग अलग सीट है ना उन पर अलग अलग टेम्परेचर अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट किया था इसी का। और अब मैं बात करने वाला हूँ इसके गियर के बारे में, तो मतलब ऐसा कुछ ये बिल्कुल ऑटोमेटिक है, देख लो मैनुअल का इसमें कोई काम नहीं, बस ये लग गया अब चलती रहेगी गाड़ी। ये देख लो इसमें 10 गियर हैं, 10 और पता नहीं चलेगा आपको कब गियर दूसरे से तीसरा हो गया, तीसरे से चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, इसमें पता ही ना चलता, बस एक स्पीड रहती है इसकी। ब्रेक और ऑटोमेटिक पार्किंग कैसे हो जाती है? ऑटोमेटिक बस ये देखो यहाँ पे बटन है ना, जो ये दबा दो अपने आप, बस हमने ऐसे करना है, अपने आप आगे जाएगी पीछे, हाथ जोड़ेगा भगवान के भरोसे बैठ जाना मतलब है। अच्छा मैं दोस्तों गाड़ी के बारे में आपको बता दूं, पीछे से मैं आपको कुछ गाड़ी दिखाना चाहता हूं। ये देखो लग्जरी पूरी सीट भी पूरी दिख रही है हमारी, और इससे आप व्यू भी अच्छी तरीके से देख सकते हो बाहर का, बाहर पहाड़ों का, वाले को पता नहीं चलता था कि पहाड़ आ रहा नहीं आ रहा। तो अब देखो ये खुल के पूरा पता चलेगा, पूरा खुल गया। ये देखो मैं ये क्या बोलते हैं मोनिश को, सनराइज दादा, आप देखो हमारी गाड़ी का ये क्या बोलते हैं ऊपर की छत, ग्लास, हाँ छत खुल चुकी है और ऊपर का नजारा देखो आप, ये देखो ऊपर चलते हुए दिख रहे हैं हमें, ऊपर देखो हम पहाड़ों में चल रहे हैं, ये हम पहाड़ों में चल रहे हैं बिल्कुल, अब नीचे आ जाते हैं। तो इसकी स्पीड पे कितनी रखते हो आप मोहन भैया? देखो मैं तो इसकी चाहता हूँ ये 10-20 की स्पीड पे चले, जो इसकी रेस है वो 70 से नीचे जाती नहीं, 70 से नीचे नहीं जाती। आ, इसका जो कंट्रोल है ना 200 की स्पीड में भी ऐसा कंट्रोल है जैसे जहाज का। और ये इसके म्यूजिक सिस्टम के बारे में अगर आपसे बात की जाए तो देखो ये इसके एसी है, हाँ ये इसके गाने हैं, यहाँ से हम वीडियो भी चला सकते हैं चाहे तो, कहाँ पे यहाँ पे वीडियो चल जाएगी। अच्छा दिखा दो भाई। और कई बार ऐसा होता है कि हमें रास्ते का पता नहीं, यहाँ पे बोल दो उत्तम नगर और उत्तम नगर कित ले जाए फिर आपने उत्तम नगर अरगल चले आ जाए तो तुम मान ले चला जाएगी ट्रंग रोन ट्रंग रोन जुरासी स्केल। अच्छा इसके बारे में क्या बात की जाए, कैसा है उड़ने वाला है कैसा है? ये दबा देंगे ना हवा में उड़ने लग जाएगी, इसके जो चारों पैर हैं वो ऊपर उठ जाते हैं, ऊपर है धरती से इतनी ऊपर चलती है। नहीं ये लोगों को ये गाड़ी क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि इसका जो एवरेज है या कितनी दे देती है? देखो ये देखो कि दो आगे निकल गया आपसे, तो मैं फील ले रहा हूँ
पता है क्यों नहीं, ये गाड़ी सब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। क्यों? इसका जो माइलेज है वो ये बस 2-3 की एवरेज देती है। और इसको अफोर्ड वही कर पाएगा जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, जिसका साम्राज्य खड़ा है बहुत बड़ा। अच्छा हाँ। तो दोस्तों आपको गाड़ी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और ये पहल न्यूट्रिशन ये मास्क क्यों रख रखे हैं आपने? इसलिए रख रखे हैं एकदम ट्रैफिक पुलिस आ गई तो मैं बाज के लगा लूंगा। और देखो मैंने सीट बेल्ट भी यहाँ इसीलिए है, बस ऐसे कर देता। ऑटोमेटिक भी तो लग जाती है इसमें? ऑटोमेटिक है इसकी सीट बेल्ट। ये पीछे जैसे उसको पता चला मोहन का बैग है और डिग्गी है भाई पीछे। पीछे डिग्गी है इसकी, आगे है डिग्गी? देखो डिग्गी इसकी पीछे, लेकिन ये बटन है ना ये अपने आप खुल जाती है। या मेरे जेब में चाबी होनी चाहिए, मैं पैर नीचे का लाऊंगा ना। अच्छा मतलब पीछे खड़े हो जाओगे ऑटोमेटिक डिग्गी खुल जाएगी, लेकिन मेरे जेब में चाबी होनी चाहिए। चाबी नहीं होगी तो आगे बैठ गए होगे नीचे। अच्छा चाबी जरूर होनी चाहिए, मेरी जेब होनी चाहिए, हाथ में होनी चाहिए, बस कैसे भी हो लेकिन चाबी होनी चाहिए मेरे रिमोट कंट्रोल। तो दोस्तों हमारी गाड़ी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। और क्या आप चाहते हो कि हम मोहन कोई और गाड़ी लेके आए, बड़े वाली कौन सी लेके आए? इससे बड़ी तो मेरे हिसाब से आपको नहीं मिलने वाली, इससे बड़ी मैं कभी सोच भी नहीं सकता जिंदगी में। तो दोस्तों एक बात और है आपके लिए मैं के और बता देता हूँ, इस गाड़ी का नाम क्या बता पाएगा इन लोगों को? नाम कमेंट करके बता दो भाई कि है, मैं यह गाड़ी गिफ्ट दे दूंगा। बहुत हमने अपनी खून पसीने की कमाई से गाड़ी खरीदी है, बहुत टाइम लगा, हमने सोच रखा था काफी दिनों से, लेकिन टाइम मिल गया भाई, और टाइम भी मिल गया और इतना हमारा जुगाड़ भी पैसे का भी हो गया होगा मोहन की भाई हम गाड़ी ले सके। भाई पैसे का जुगाड़ तो हम दादा लाई है भाई से। दादा ने इतना कमा दिया था उसमें तो थोड़ा बहुत भी ले लेंगे, यूज कर लेंगे तो हमारी जिंदगी कट जाएगी, जिंदगी कट जाएगी। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे, गाड़ी कंपनी को क्या रिव्यू देना चाहोगे इसके बारे में? कंपनी को मैं इसके 5-स्टार रिव्यू देना चाहूंगा। अच्छा। चाहूंगा कि इसको अब ये देखो ये फॉर्च्यूनर, ये फॉर्च्यूनर गई इसके साइड से, ये कुछ नहीं है, ये तो मैं मंदिर लेकर। और मैं चाहूंगा कि इसकी थोड़ी कीमत घटा दें ताकि मेरा हरेक भाई इसको अफोर्ड कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों इस गाड़ी का नाम मेरे हिसाब से उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, इतनी फेमस गाड़ी है। फेमस गाड़ी है भाई, या तो ये चार रखी है, एक तो दो चार रखिए, एक बार बताओ आप। सलमान खान भी तो पीछे ले रहे थे गाड़ी को, सुनी है पर लेकिन मैंने उसके हाथों में देखी नहीं। यकीन नहीं हो सकता, मोदी जी ने भी अप्रोच की थी इसके लिए, मैंने सुनी सुनी है लेकिन देखी मैंने उसी के हाथ में जिसका मैंने पहले नाम लिया सचिन चंदगुल है। अच्छा तो दोस्तों ये कैसा लगता है? ये चारों पैरों में उड़ रही है, ये खटका दबा दिया क्या आपने? हाँ दबा दिया, बस ये जमीन पे नहीं है। ये फील कैसा लग रहा है आपको? ये फील जैसे जहाज में बैठ के बम्बई जा रहा है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और ये हमारी गाड़ी आपको कैसे लगी और गाड़ी का नाम जो बताएगा उसके लिए होंगे ये गिफ्ट, ठीक है? पक्का गाड़ी भी दे दोगे आप? गाड़ी दे दो, देख लेना पक्का। फिर आप नहीं कहाँ से लेके आओगे? नहीं गया, मांगी लेके। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू।